नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपोर्टेंट लेवल शेयर करूंगा हमारे इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की निफ्टी का करंट प्राइस इक्कीस चल रहा है और कल हमारी मार्केट जो होती है वो गैप अप ओपन होती है गैप अप होने के बाद मैंने कल ही आपको परसों की वीडियो में देखिए बताया था कि अगर मार्केट हमारा इक्कीस का लेवल टच करती है तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि हमारा इस लेवल से अगर मार्केट अपसाइड निकलती है ग्रीन कैंडल के साथ तो हमारा जो अगला नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो इक्कीस हजार सात सौ पचास का रहेगा तो एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से जब गैप अप होने होती है तो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनाती है जो कि इक्कीस हजार सात सौ पचास को टच करती है और उसके बाद मार्केट यहाँ से एक जोन बनाती है ये वाला अपसाइड में भी बनाती है ये वाला एक के पास में फिर यहाँ से रेड कलर की कैंडल जो तो काफी बड़ी बनती है और यहां से मार्केट में अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है एग्जैक्ट उसी लेवल पर जहां पे मैंने पिछला सपोर्ट बताया था आप लोगों को इसी लेवल पे आके मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है फिर यहाँ से फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है पूरे दिन फिर जब यहाँ से मार्केट आगे निकलता तो यहाँ पे मार्केट में धीरे 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 सेलिंग आती है तो यहाँ पे एक हैमर बनता है ग्रीन कलर का ठीक इसी सपोर्ट पे आके तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ लोगों को मैनिपुलेट भी किया होगा कुछ लोगों ने सोचा होगा कि अपसाइड मोमेंटम आ सकता है यहाँ पे हमारे के साथ मगर नहीं क्योंकि यहाँ से पिछली कैंडल को देखते हुए अगर देखा जाए तो पहले से ही मार्केट में सेलिंग दिख रही है तो ऐसे में हम बाइंग एकदम नहीं कर सकते हम यहाँ पे बाइंग को अवॉइड करते हैं ऐसी जगह पे

और ग्रीन कलर ग्रीन कलर की कैंडल बनाई बड़ी बड़ी उसके बाद देखो मार्केट में कितना अच्छा टारगेट देखने को मिला ठीक है मार्केट पिछला जो हाई था इस वाले हाई तक नहीं आ पाया मार्केट वहां तक नहीं आ पाया तो यानी कि अब मार्केट का जो सिनेरियो रहेगा वो यही रहेगा कि मार्केट कल के दिन या फिर मंडे जैसे कि मंडे में अब ओपन होगी मार्केट तो मंडे के दिन मार्केट में हो सकता है यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल जाए अगर मार्केट इस वाले लेवल के बाद अच्छी सेलिंग देता है तो हमें एक अच्छा सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है तो बात करते हैं अब मंडे की मंडे को हमारा क्या रह सकता है मार्केट में तो सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग जो होती है ये वाली रिमूव करेंगे हमें डेली एनालिसिस करना होता है क्योंकि डेली एनालिसिस के बेसिस पे ही हमें अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं अच्छे लेवल से मिलते हैं ठीक है तो बात करते हैं सबसे पहले चार घंटे टाइम फ्रेम पर चार घंटे पर अगर देखा जाए फोर आवर पर तो हमारे जो इंपोर्टेंट लेवल निकल कर आते हैं वो हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले तो हमारा जो एक लेवल निकल के आता है यहाँ पे क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम देखो सब रेजिस्टेंस लिया है इस वाली कैंडल ने भी इस वाली कैंडल ने भी इस वाली कैंडल पर देखो कितना बड़ा रिजेक्शन मिला बड़ी वीसी सी देखने को मिली और इसी लेवल से हमें देखो कितनी बड़ी रेड कलर की कैंडल देखने को मिली और ठीक है यहाँ के नियर आगे मार्केट ने फिर से नीचे मोमेंटम दिया ठीक है तो अब बात करते हैं वन आवर पर फोर आवर पे तो हमारा एक लेवल निकल के आया ये वाला ठीक है ये जो लेवल रहेगा हमारा वो सपोर्ट का रेजिस्टेंस का, का काम करेगा और ये वाला लेवल हमारा सपोर्ट का, का काम करेगा क्योंकि इसके पास आके मार्केट मल्टीपल टाइम ही यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे भी देखो सपोर्ट लिया है यहाँ पे रेड कैंडल के साथ मार्केट ने इसको तोड़ा था है, मगर यहाँ के रिवर्सल ले लिया है यहाँ पे क्या करा मार्केट ने ट्रैप किया तो हमें ट्रैपिंग से भी बचना होता है इसके लिए भी हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऐसा मोमेंटम कर सकता है ऐसे रिएक्शन कर सकता है तो मार्केट का रिएक्शन देखना बहुत ज़रूरी है तो नेक्स्ट हमारा एक सपोर्ट ये वाला निकल के आता है ये मंडे के दिन हमारा जो रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट और एक सपोर्ट हमारा ये वाला निकल कर आता है इक्कीस हज़ार पाँच सौ सत्रह का ठीक है तो अब बात करते हैं थर्टी मिनट टाइम फ्रेम पर थर्टी मिनट टाइम फ्रेम पर हमें काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा रहेगा अगला ये वाला रहेगा इक्कीस हजार चार सौ तीस का तेईस का अगर इसको थोड़ा हम पीछे के साइड ड्रैग करें देखो। इतने ये देखो अच्छे लेवल्स हैं वाले जो मैंने आपको अभी बताया है। इसको भी अगर पीछे के साइड ड्रैग करें तो देखो कितने शानदार मतलब की लेवल एकदम अलग ही दिखते हैं निकल के जब आते हैं ना देखो कितना अच्छा लेवल है ये वाला ठीक है यहाँ पे देखो मार्केट कितनी बार सपोर्ट लिया एक बार यहाँ पे फिर दूसरी बार तीसरी बार फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम फिफ्थ सिक्स टाइम मार्केट ने इसको बड़ी सी के साथ तोड़ा तो हमें एक यहाँ पे डाउन मोमेंटम देखने को मिला जो कि वाला हमारा जो सपोर्ट सपोर्ट था इसी के पास आके मार्केट मार्केट ने ने लिया लिया फिर फिर से रिवर्सल पे बड़ी कैंडल देखने को मिली फिर से देखो मार्केट ने एक और यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से जब मार्केट हुई तो सीधा जाके इसी लेवल पे जाके रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने ठीक है और उसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो इस वाले लेवल तक नहीं आ पाया तो यानी कि मार्केट ने यहीं पे बीच में कहीं पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया और उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा डिप आया ठीक इसी लेवल पर जो पिछला लेवल था यहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया ठीक है तो एक लेवल हमारा ये वाला भी रहेगा ये जो ये वाला क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफी टाइम तक अपने आपको सस्टेन किया है ये वाला एक जोन रहेगा अगर मार्केट इस जोन के नीचे निकलता है तो हम एक डाउन साइड मोमेंटम देख सकते हैं अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे आके थोड़ा रिटर्स्ट लेके इसके नीचे निकलता तो हमारा पहला टारगेट वाला होगा दूसरा टारगेट ये वाला होगा थर्ड टारगेट हमारा ये वाला होगा क्योंकि आजकल वैसे मार्केट में काफी बड़े मोमेंटम नहीं आ रहे हैं मार्केट काफी साइडवेज टाइप का हो चुका है मार्केट क्योंकि पिछले टाइम में पिछली में में प्रीवियस डेज हमें काफी बड़े बड़े मूव दे चुका है तो अब मार्केट का टाइम आ गया थोड़ा सा चौपी होने का साइडवेज होने का ठीक है तो इसके बाद अभी जब इलेक्शन का थोड़ा टाइम और क्लोज आएगा तो मार्केट में काफी और अच्छे बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं हमें तो ये तो हमारे मंडे के लिए एनालिसिस निफ्टी का ठीक है तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट लेवल थे आप लोग भी इन्हीं लेवल को यूज कर सकते हैं अपने चार्ट पे अपनी ड्राॅइंग तो ऐसे बना सकते हैं अपने चार्ट पर आप लोग भी इस ले, लेवल को ठीक है और देखो ये वाला लेवल कितना अच्छा है जैसे कि मैंने आपको बताया क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े मूव तो आ नहीं रहे हैं तो छोटे छोटे मूव आ रहे हैं तो हमें छोटे छोटे मूव के हिसाब से ही अपनी मार्केट का एनालिसिस करना होगा क्योंकि छोटे छोटे बहुत पास पास बहुत पास पास जाके हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं काफ़ी दूर दूर नहीं है काफ़ी पास पास ही हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट निकल के आ रहे हैं तो इस वजह से पता चलता है कि मार्केट में बड़े मोमेंटम नहीं हो सकते बड़े मूव नहीं दे सकता मार्केट तो इसलिए हमें छोटे छोटे मूव ही कैप्चर करने पड़ेंगे बीस बीस तीस पॉइंट पंद्रह पॉइंट बीस पॉइंट यही कैप्चर करने पड़ेंगे ठीक है तो हमें यही पॉइंट कैप्चर करने पड़ेंगे जैसे कि बीस पॉइंट मिल गए या फिर पच्चीस पॉइंट मिल गए तो इन मूव के लिए हमें काम करना है मार्केट में हमें बड़े मोमेंटम के लिए नहीं बैठना है पचास पॉइंट के लिए हमें नहीं बैठना है क्योंकि पचास पॉइंट वाली मार्केट आजकल नहीं चल रही ठीक है मार्केट काफ़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है ठीक है फास्ट मोमेंटम नहीं है मार्केट में धीरे धीरे मोमेंटम आ रहा है मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटे छोटे प्रॉफिट लो और बाहर जाओ अपना छोटे छोटे प्रॉफिट लो और बाहर निकलो ऐसा नहीं कि मार्केट में पूरे दिन बैठा रहना है भाई अपनी एक से दो ट्रेड हुई बाहर बाहर आ जाओ तुरंत ज़्यादा देर तक मार्केट में नहीं बैठना है प्रॉफिट हो गया बाहर ठीक है मार्केट से लड़ना नहीं है झगड़ना नहीं है मार्केट से बिल्कुल भी फाइट नहीं लेनी है क्योंकि मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है अगर आप इससे फाइट करोगे तो आपका सारा कैपिटल ले जाएगा तो इसलिए मार्केट में ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी कि मार्केट में हमें अपना कैपिटल भी सेफ रखना है हमारा जो कैपिटल होता है इसको भी हमें सेफ रखना है क्योंकि कैपिटल के बिना हम मार्केट में टिके नहीं पाएंगे जब तक कैपिटल होगा तब तक हम अपने मार्केट को बढ़ा सकते हैं हम कितना भी प्रोफिट जनरेट कर सकते हैं तो इसलिए सबसे पहले हमारा यही रहता है मार्केट में हम अपना पैसों को बचाएं ऐसी मार्केट में पैसा ना गवाए मार्केट में अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिखता है कोई अच्छा सा पैटर्न दिखता है या अच्छा सा मोमेंटम दिखता है तो ये आप मार्केट में अपना एंट्री लो नहीं तो आप मार्केट में बैठ के टोटली मार्केट को देखो वॉच करो केवल ठीक है तो ये थे मार्केट में हमारे कुछ मोमेंटम जो होंगे कल के लिए अगर अपसाइड की बात करें तो साइड में हमारा पहला टारगेट यही होगा ठीक है अगर मार्केट यहाँ से ऐसे टच होकर ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा सेकेंड टारगेट ये होगा नहीं तो अगर मार्केट ऊपर से टच होकर अगर नीचे आती है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा दूसरा टारगेट ये होगा ठीक है तो अप साइड और डाउन साइड के दोनों के मैंने टारगेट आप लोगों को बता दिए पहला हमारा जो होगा यहीं तक क्या होगा अगर मार्केट इसको ग्रेड कैंडल के साथ तोड़ती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा इक्कीस हजार सौ अस्सी का तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में जो हमारे इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे देखो बैंक निफ्टी में मैंने आपको पिछले ही बताया था देखो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का भी हम देख लेते हैं मार्केट में क्या स्ट्रक्चर रहा फ्राइडे के दिन मैंने आपको इम्पोर्टेंट लेवल दिए थे ये वाले मार्केट सबसे पहले यहाँ पे देखो साइडवेज ही ओपन होता है मार्केट ऊपर पे साइड पर एक विक बनाता है फिर यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है उसके बाद यहाँ पे मार्केट एक रेड कलर की बड़ी सी कैंडल फॉर्म करता है उसके बाद ये देखो हमारा जो पिछला ये वाला सपोर्ट था यहाँ पे आके मार्केट इस पर थोड़ी देर सस्टेन करता है फिर यहाँ से फिर दोबारा एक रेड कलर की कैंडल लेता है फिर देखो कितनी बड़ी कैंडल देखने को मिलती है हमें रेड कलर की उसके बाद ही मार्केट यहाँ से ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म करता है फिर उसके बाद देखो कितना बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता है जो कि हमारा पिछला जो हमारा रेजिस्टेंस है इस पर आके ही मार्केट टच होता है यानी कि मार्केट हमारे डीवे लेवल्स पर ही काम करता है हमारे डीवे लेवल्स पर ही मार्केट हमेशा रहता है ट्रेड करता है तो ऐसे लेवल्स देखने के लिए हमारी वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग ठीक है तो यहाँ पे मार्केट जैसे सपोर्ट लेता है मार्केट में एक डिप देखने को मिलता है ठीक है ठीक इसी लेवल पर आके जो मैंने पिछली बार आपको दिया था कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो हमें एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलता है तो मार्केट जब इसके पास सस्टेन होती है तो उसके बाद ही देखो हमें यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलता है उसके बाद यहाँ पे मार्केट देखो हैमर बनाती काफ़ी बड़ी पंद्रह मिनट टाइम फ्रेम पे उसके बाद अपसाइड मोमेंटम देते जो कि इस हमारे इसी लेवल पर आकर रुकती है तो ये तो हमारे लेवल है बैंक निफ्टी के तो बैंक निफ्टी में अब हमारे नेक्स्ट लेवल क्या रह सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि मंडे के दिन हमारी मार्केट में क्या लेवल रह सकते हैं और कैसे मार्केट मूव कर सकता है ठीक है सबसे तो पहले बात करते हैं वन आवर टाइम फ्रेम पे वन आवर टाइम फ्रेम पे हमारा सबसे पहले एक रेजिस्टेंस निकल के आता है ये वाला अड़तालीस हज़ार तीन सौ का ठीक है और एक हमारा ये वाला सपोर्ट निकल के आता है क्योंकि यहाँ पे ये बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर सस्टेन किया है अपने आपको एक हमारा ये वाला निकल के आता है और अप साइड में हमारा एक नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा ये वाला रहेगा अड़तालीस हज़ार पाँच सौ चौरानवे का इसको थोड़ा सा पीछे ड्रैग किया जाए तो काफी अच्छे लेवल देखने को मिलेगा अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर बात की जाए मार्केट की तो हमारा एक नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ये वाला निकल के आ रहा है और एक हमारा सपोर्ट ये वाला निकल के आ रहा है तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के, के कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो काफी इम्पोर्टेंट है अगर कल के दिन मार्केट देखो अभी तो मार्केट ने जो स्ट्रक्चर रहा है वो काफी डाउन साइड में रहा है फिर अप साइड में रहा शुरू में मार्केट डाउन मोमेंटम दिया फिर उसके बाद मार्केट बुलिस हो गया बुलिस जब हुआ तो मार्केट अपने इस लेवल तक नहीं आ पाया तो यानी कि मार्केट में अभी भी सेलर एक्टिव है यहाँ पे इस लेवल पर अभी भी सेलर एक्टिव है अगर इस लेवल से मार्केट सेलर एक्टिव हुए तो मार्केट यहाँ पे इसके बाद जो मूव देगा वो इस लेवल तक दे सकता है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पिछला सपोर्ट लिया है और इसके बाद जब मार्केट आएगा तो इस लेवल तक आ सकता है

तो देखो ये वाला जो लेवल रहेगा ये वाला लेवल ये काफी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा क्योंकि तो मार्केट इसके ऊपर देखो कितनी देर सस्टेन किया है ठीक है अगर कल के दिन देखो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है अपना आपको ऐसे तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा यही वाला लेवल रहेगा ठीक है भलाई मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर से ऊपर जाए तो हमारा टारगेट यही रहेगा अड़तालीस हजार तीन सौ का तीन सौ सत्तर का हमारा टारगेट रहेगा ठीक है तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की साइड सस्टेन करे इस वाली वीक के पास क्योंकि इस लेवल तक मार्केट नहीं आ पाया यहाँ से हमें पता चल गया है कि यहाँ पे इस लेवल पे सेलर्स एक्टिव है अगर इस वाले लेवल पे हम एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें ये वाला ये वाली। अड़तालीस हजार दो सौ की जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे मार्केट से मार्केट में पता चलता है कि इस लेवल पर यहाँ पे हमें सेलर दिख रहे हैं इस वाले लेवल पर हमारे सेलर एक्टिव है यहाँ पे सेलर एक्टिव है तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा अगर ऊपर की साइड जाएगा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ सकता है फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो निकल सकता है मार्केट हमारा सैंतालीस हजार आठ सौ अठासी तक निकल सकता है क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट में पिछली बार भी मार्केट में यहाँ सेलर एक्टिव थे इस बार जब मार्केट आया यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव हुआ मार्केट को फिर से नीचे आए क्योंकि यहाँ से इस वाले लेवल पर आके मार्केट में क्या दिख रहा है पे 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 बायर है। यहाँ पे बायर बायर एक्टिव 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 है 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 ठीक है? हमारा है और ऊपर की साइड में सेलर एक्टिव है अब इन दोनों में जो बड़ी बड़ी विक बनाएगा जो बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म करेगा यानी कि रेड कलर की होंगे तो वहां पे क्या होगा अगर मार्केट इस लेवल का तोड़ता है रेड कैंडल के साथ तो क्या होगा यहाँ पे जो हमारे बायर्स होंगे ये क्या होंगे पैनिक हो जाएंगे और यहाँ से ये निकल जाएंगे तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला हमारा आराम से बहुत इजीली अचीव हो जाएगा तो इसी के साथ हमें मार्केट में काम करना है इसी के साथ मार्केट में बैठे रहना है बने रहना है कि मार्केट में क्या हो सकता है यही प्रिडिक्ट करना सबसे बड़ी बात होती है सबसे बड़ा काम यही होता है ठीक है अगर उसको पीछे की साइड थोड़ा ड्राई किया जाए देखो यहाँ पे भी मार्केट में सेलर एक्टिव है मगर यहाँ से जब मार्केट थोड़ा गैप अप हुआ तो यहाँ पे जब सेलर थे ये सेलर पैनिक होने के बाद इस जगह पे देखो कितने सारे सेलर थे मार्केट बायर्स ऊपर ले जाना चाहते हैं मार्केट को मगर नहीं ले जा पाए सेलर ज्यादा एक्टिव थे तो मार्केट में देखो कितना बड़ा रेड कैंडल देखने को मिली तो उसके बाद जब मार्केट में बायर्स एक्टिव हुआ तो बायर्स में इतना जोर आया कि यहाँ से जितने भी सेलर थे ये इस लेवल के बाद जब यहाँ पे कैंडल बननी शुरू हुई तो यहाँ पे आके मार्केट से जितने भी सेलर थे वो निकल गए और यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बननी शुरू हो गई ठीक है तो मार्केट में बायर और सेलर का ही गेम, गेम होता है टोटली कि मार्केट में कहा सेलर एक्टिव हो सकते हैं कहा बायर एक्टिव हो सकते हैं बस यही जानना सबसे बड़ी बात होती है तो अगर मार्केट कल के दिन यहाँ से नीचे निकलता है तो ही हम डाउन साइड में बैठेंगे ठीक है और उसके बाद जो ये ले वाला लेवल अगर इसके नीचे भी निकलती है तो हमारा सेकंड टारगेट ये वाला रहेगा तो इसके ऊपर मार्केट अगर इसे टच करके नीचे आती है तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा सेकेंड टारगेट हमारा ये रहेगा और थर्ड टारगेट हमारा ये वाला रहेगा ठीक है अगर यहाँ से इससे टच करके डाउन साइड में अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है यहाँ पे अगर यहाँ पे से टच करके ऊपर की साइड निकलता है पहला टारगेट हमारा यही रहेगा इसके ऊपर निकलती है तो ही हम ऊपर की साइड का एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे नहीं तो हमारा जो टोटली मोमेंटम रहेगा जो हमारा सिनेरियो रहेगा मार्केट में टोटल जो सिनेरियो है अभी डाउन साइड में ही है क्योंकि मार्केट में सेलर्स काफी ज्यादा हैवी है एक्टिव भी है मार्केट में क्योंकि यहाँ से देखो सेलर्स एक्टिव है ये यहाँ थोड़ा सस्टेन किया फिर दोबारा से सेलर एक्टिव हुआ यहाँ पे जब बायर एक्टिव हुआ तो यहाँ पे एक बड़े प्लेयर का गेम प्ले हुआ तभी जाके इतनी बड़ी बड़ी कैंडल लेते तो, और बड़े प्लेयर्स हमेशा सा मार्केट में एक्टिव नहीं रहते हैं मार्केट में यहाँ से बड़े प्लेयर निकले अपना प्रॉफिट लिया निकल गए यहाँ पे रेड कलर के कैंडल बन गए हो सकता है कल के दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन हो और थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करे और यहाँ पे मार्केट में हमें एक अच्छी सी सेलिंग देखने को मिल जाए तो मार्केट में हमारा जो सिनेरियो रहेगा परसों मंडे के दिन तो हमारा डाउन साइड ही रहेगा ठीक है तो हमें डाउन साइड ही अपनी ट्रेड इनिशिएट करनी है ज्यादातर हम हमारा जो जो सिनेरियो रहेगा जो स्ट्रक्चर रहेगा ठीक है तो वो हमारा सेटअप जो रहेगा वो तो डाउन साइड में रहेगा अगर हमें डाउन साइड कोई सेटअप देखने को मिलता है तो हम डाउन साइड ही अपनी ट्रेड इनिशिएट करेंगे ठीक है तो क्या जब अगर आप लोगों को मेरे लेवल सब पसंद आए हो मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको कोई क्वारी या क्वेश्चन हो तो आप लोग हम, हमें जो कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं मैं आपके हेल्प जरूर करूँगा ठीक है थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग